हेलो, वेलकम टू ट्री की सेक्शन। दोस्तों, ये वीडियो लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए दिल्ली सल्तनत में जो कौन कौन से वंश ने शासन किया और किस किस क्रम में किया, क्योंकि कई रिलेटेड इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारा काम है आप लोगों के एग्ज़ाम को और सुगम बनाना, इसीलिए एक बेहद और शानदार ट्रिक लेके आया हूँ आप लोगों के पास, जिसके बीच आप लोगों को देखने को मिलेगा जो दिल्ली में कौन कौन से वंश ने किस किस वंश के बाद शासन किया। तो सबसे पहले देखते हैं दिल्ली सल्तनत का क्रमिक वंश, यानी जो सीक्वेंस डायनेस्टी है उसको हम देखते हैं। तो देखते हैं अपना ट्रिक क्या है, अपना ट्रिक देखते हैं। ट्रिक है अपना, जी हाँ, ट्रिक है अपना दोस्तों, गुलाब खिले तो सांस ले। मतलब जब गुलाब क्या होता है, जब गुलाब खिलता है, यानी गुलाब जब आता है नया खिलता है तो उसमें क्या होता है, खुशबू निकलती है। तो हम क्या करते हैं, उसके आसपास का वातावरण सुगंधित हो जाता है और जिसमें मतलब जोर जोर से सांसें भरते हैं हम। तो इसका मतलब ये हुआ, जब गुलाब खिला तो क्या किया आपने, सांस लिया। तो इससे एक ट्रिक बन गया है, गुलाब खिले तो सांस ले। अब इस ट्रिक को यूज कैसे करते हैं दोस्तों, गुलाब खिले तो सांस ले। तो इस ट्रिक को ऐसे यूज करेंगे हम, यहाँ पर देखते हैं, गुलाब खिले तो सांस ले, गुलाब खिले तो सांस ले, यानी पूरे का पूरे गुलाब। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, जो आपका पूरे का पूरे गुलाब है, तो गुलाब से हमने लिया वहाँ पे गुलाम वंश। गुलाब खिले तो सांस ले, मेरे साथ तीन बार चार बार बोलिए आप, अभी कभी दो तीन सेकंड के अंदर में याद हो जाएगा ये चीज़ें। गुलाब खिले तो सांस ले, यानी गुलाब से हो जाएगा आपका गुलाम वंश। खिले, नेक्स्ट क्या आता है हमारा, गुलाब खिले, तो खिले से लिया मैंने खिलजी वंश। दूसरे नंबर पर शासन था दिल्ली सल्तनत का, दूसरा शासक था वो था खिलजी वंश का। उसके बाद आता तीसरे नंबर पे तो, गुलाब खिले तो से लिया हमने तुगलक वंश, तो से लिया हमने तुगलक वंश। अब यहाँ पे आता है दोस्तों सांस और ले, तो देखिए सांस से लिया हमने सैयद वंश, यानी तुगलक वंश के बाद जो शासक आए थे वो थे सैयद वंश। और गुलाब खिले तो सांस ले, उसके बाद लास्ट में आता है ले, तो ले से हमने देखा यहाँ पर लोधी वंश। यानी दिल्ली में कुल पांच वंश हुए थे दिल्ली सल्तनत में, और पांचों वंश मैंने एक शानदार ट्रिक के साथ याद करवाया आप लोगों को, गुलाब खिले तो सांस ले, यानी गुलाब से हो गया गुलाम वंश, खिली से हो गया खिलजी वंश, तो से हो गया तुगलक वंश, और सांस से हो गया सैयद वंश, और ले से हो गया लोधी वंश। तो ये पाँचों वंश दोस्तों हमने क्रमवाइज में देखा। अब यहाँ पर देखते हैं जो किस वंश ने कितने पीरियड टाइम पीरियड के लिए शासन किया। तो आगे देखते हैं दोस्तों, जैसे देखते हैं यहाँ पे गुलाम वंश, तो सबसे पहले गुलाम वंश में देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले गुलाम वंश जो स्टार्ट हुआ था तो वो हुआ था 1206 ईस्वी में, और ये चला था 1290 ईस्वी तक, कुल 84 ईयर्स। तो यानी गुलाम वंश ने 84 ईयर्स शासन किया था। गुलाम वंश के बाद आया था खिलजी वंश, और खिलजी वंश ने 1290 से 1320 तक यानी 13 वर्ष शासन किया। उसके बाद आता है तुगलक वंश, तुगलक वंश ने 1320 से 1414 यानी 94 ईयर्स उन्होंने शासन किया। उसके बाद आया था सैयद वंश, और सैयद वंश ने 1414 से 1451 तक शासन किया, यानी 37 वर्ष। उसके बाद दोस्तों लोधी वंश 1451 से 1526 यानी 75 वर्ष शासन किया लोधी वंश ने। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं सबसे ज़्यादा जो टाइम पीरियड के अनुसार से शासन किया है, तो ये किया है तुगलक वंश। सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड के अनुसार से शासन किया है तो वो किया है तुगलक वंश, यानी तुगलक वंश एक नंबर पे, और उसके बाद गुलाम वंश, यानी गुलाम वंश दूसरे नंबर पे। तो ये टेबल अगर आप याद रखते हैं दोस्तों, तो किसी भी प्रकार से अगर गुलाम वंश से क्वेश्चन बनते हैं वंश और संस्थापक के रिलेटेड, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पर दोस्तों एक बात और बताना है मेरे को, जो अगली वीडियो अभी कुछ ही मतलब समय में अपलोड होने जा रही है, इसमें दिल्ली वंश तो आपने देख लिया, तो दिल्ली में कौन कौन वंश थे, किस वंश के बाद कौन से वंश थे। अब यहाँ पर मैं लेके आने वाला हूँ आप लोगों के पास जो दिल्ली वंश के कौन कौन से किस वंश के संस्थापक थे। तो एक ट्रिक में 2 मिनट के अंदर पूरा सल्तनत आपका कौन से वंश आए थे और मतलब उसका संस्थापक कौन था क्लियर हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक के लिए, और वीडियो में कमेंट और लाइक करना मत भूले। थैंक यू दोस्तों।